महाराष्ट्र के पुणे जिले की दो विधानसभा सीट कस्बापेट और चिंचवाड़ में उपचुनाव के तहत वोटिंग चल रही है। इन दो विधानसभा सीट पर कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। कस्बापेट विधानसभा में 270 मतदान केंद्रों पर 1250 मतदान और 683 पुलिस बल की तैनाती की गई है। कस्बापेट में 2,75,679 मतदाता है। वहीं चिंचवाड़ विधानसभा में 510 मतदान केंद्रों पर वोटिंग चल रही है, जिसमें 3,000 मतदान अधिकारी, 3,707 पुलिसकर्मी, 725 अधिकारी तैनात है। बता दें, दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में कस्बापेट से भारतीय जनता पार्टी के मौजूद विधायक दिवंगत मुक्ता एस तिलक और चिंचवाड़ से दिवंगत लक्ष्मण पी जगताप के निधन के बाद पुणे जिले की दो सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। भाजपा ने कस्बापेट से हेमंत एन रसाने और चिंचवाड़ से दिवंगत विधायक की पत्नी अश्विनी एल जगताप को मैदान में उतारा है। वहीं मतगणना 2 मार्च को की जाएगी। जिस तरह से महाविकास आघाड़ी के सभी नेतागण, सब कार्यकर्ते वोटर के पास जाके हमारे जो डेवलपमेंट है इसी बारे में बात कर रहे हैं, और जिस तरह से 2017 में बीजेपी या पीसीएमसी में आई तब से भ्रष्टाचार हो रहा है, वो भ्रष्टाचार देख के जो जनता है, ये जनता थक गई है। ये कोशिश कर रही है और आने वाले चुनाव में, आने वाले 2 तारीख को वो आपको दिखाई देंगे कि राष्ट्रवादी वापस इस पीसीएमसी होना चाहिए। मेरा खुद का वोट डाल के आया हूँ और मुझे जनता से उत्स्फूर्त प्रतिसाद है और मुझे 100% गारंटी कि मैं यहाँ पे जीत जाऊँगा। बहुत बड़े मार्जिन से मैं जीतूँगा और ये पहला नंबर ही आएगा, आप देख लीजिए। अन्य पार्ट मेरे साथ चिंचवड़ की जनता थी, जो मैं पहले दिन से आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई स्टार प्रचारक वोट करने नहीं आने वाला। ये चिंचवड़ की जनता, चिंचवड़ विधानसभा में जो लोग रहते हैं वो लोग वोट करेंगे। पुलिस विभाग ने लॉ एंड ऑर्डर और बूथ के लिए मोर देन 1000 ऑफिसर्स और मेन लगाए हुए हैं। हमारे सभी ऑफिसर्स और मेन 2 दिन से पूरे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। रात में अलग स्ट्रैटेजी हम लोगों ने बनाई थी, रात भर हमारी अलग टीम काम कर रही है, मॉर्निंग से अलग टीम काम कर रही है। हमारे सीनियर ऑफिसर, सीपी सर, ज्वाइंट सीपी सर, एडिशनल सीपी सर खुद रोड पर घूम रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से सब लोग बाहर मतदान के लिए आ रहे हैं। बहुत पीसफुली सब सिचुएशन चल रहा है, कोई इशू नहीं है।